ये हमारे पास एक कटोरी दाल है, तुअर की दाल है बची हुई। अब हम इसमें चार जन को कैसे खिलाएंगे सोचिए जरा। और इसको हमें चार जन को में ही डिवाइड करना है और सबको एक एक कटोरी दाल आनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा तीन कटोरी दाल हम कहाँ से लाएं। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो बताते हैं हम आपको। ये हमारे पास कुछ सेंगा जो जिसको आप ड्रम स्टिक बोलते हैं वो पड़ी थी एक छड़, तो हमने इसको छील लिया है और छील के इसको उबालने के लिए रख दिया है। अब हम लहसुन प्याज अदरक और टमाटर अच्छे से बारीक काट लेंगे और तब तक इनको उबलने देते हैं। देखते हैं हमारे ये ड्रम स्टिक पके कि नहीं। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं और जूस भी काफ़ी छोड़ दिया है। तो ये हम अभी साइड में करते हैं, इनका काम ख़त्म हो गया है। एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, मैंने अंदाज से डाला है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा लाल हो गया है। अभी हम थोड़ी सी ये मेथी दानी डालेंगे और इनको भी लाल कर लेंगे। मेथी दाना लाल हो जाने के बाद ये हम छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का है, 8 से 10 हमारी कलियाँ लहसुन की हैं और 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज है। तो 10 by 10 हम लहसुन और अदरक को लाल करेंगे। लहसुन और प्याज के एक साथ अगर भूनते हैं तो प्याज लाल हो जाता है और लहसुन हमारा नहीं लाल होता है। इसके लिए हम पहले लहसुन और अदरक को लाल कर लेंगे। कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे। अदरक और लहसुन हमारा लाल हो गया है, अब हम ये प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज भी हमारा लाल हो गया है, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर भी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक सॉफ्ट। पहले नमक डालने से ये टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं, इसके लिए हम पहले हल्दी और नमक डाल के टमाटर या फिर प्याज को गला लेते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा टमाटर गल चुका है। तो अब हम ये धनिया के जो मोटे डंठल रहते हैं ऊपर की डंडियाँ वो डाल देंगे, जो इसी समय पक भी जाएंगी और अपना फ्लेवर भी छोड़ देंगी। और हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर, हम लोग ज़्यादा नहीं तीखा खाते हैं, आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। और ये जो हमारा ड्रम स्टिक का पानी है छूटा हुआ वो हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे, देखिए जिससे मसाला अच्छे से भुन जाए। ये लीजिए मसाला भी भुन गया है और तेल छोड़ने लगा है। अब हम ये ड्रम स्टिक इसमें डाल के थोड़ा सा अलग पलट लेंगे। अब हम ये जो ड्रम स्टिक का हमारा बॉइल हुआ पानी है वो हम ऐड कर देंगे। और थोड़ा सादा भी पानी ऐड कर देंगे, ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के हम इसको 5 मिनट तक फुल फ्लेम में पकाएंगे, ज़्यादा गैस में। जो एक कटोरी हमारी दाल है वो हम ऐड कर देंगे। अगर हम पहले ऐड करते तो दाल और भी घुल जाती है और पता ही नहीं चलता कि हमने दाल बनाई है कि क्या। कम से कम अब बाद में डालने से हमारी दाल तो दिख रही है। तो इस तरीके से हमने, ये देखिए इसको हम 2 मिनट धीमी आंच में पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक कटोरी से 4 कटोरी दाल हो गई है। अब आराम से इसमें हम 4 लोग खा लेंगे और स्वाद भी रहेगा, नया भी रहेगा। अब हम इसमें फाइनली धनिया डाल देंगे जिससे और भी खुशबू आएगी और पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बासी दाल है या फिर बची हुई दाल है। देखा आपने 1 से 4 बनाने का, तो चलिए बनाते हैं और आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।